छतरपुर शहर के हनुमान टोरिया मंदिर परिसर में हर माह लगने वाले निशुल्क नेत्र परीक्षण शिविर का आयोजन इस माह भी रविवार को स्वर्गीय सुकनलाल मातेली की पुण्य स्मृति में उनके पुत्र अखिलेश मातेली और राजीव मातेली के सहयोग से किया गया। सदगुरु नेत्र चिकित्सालय चित्रकूट से आए डॉक्टर देवमूर्ति पांडे और डॉक्टर अरविंद मिश्रा ने 250 नेत्र रोगियों का परीक्षण कर उन्हें उचित परामर्श दिया। इलाज के उपरांत रोगियों को दवाएं और चश्मे भी वितरित किए गए। परीक्षण में 40 मोतियाबिंद के मरीज मिले, जिन्हें तुरंत ही चित्रकूट भेजा गया है। सहयोगी अखिलेश मातेले और उनकी धर्मपत्नी मीनू मातेले ने स्वयं मरीजों की रजिस्ट्रेशन किए, साथ ही मरीजों को भोजन कराया। समिति के गिरजा पाटकर ने बताया कि 12वें वर्ष का यह 6वां शिविर था। इस अवसर पर राजेंद्र निखरा, प्रदीप सेन, राधेश्याम सोनी, संजू श्रीवास, लालजी पाटकर, हरे अग्रवाल सहित अन्य लोग भी उपस्थित थे। मिशन रोशनी के तहत पीड़ित मानवता की सेवा के लिए एक दिवसीय निःशुल्क नेत्र परीक्षण शिविर का आयोजन हनुमान टोरिया मंदिर परिसर पर नगर के प्रतिष्ठित व्यवसायी और समाज सेवियों के सहयोग से आयोजित किया जाता है। उसी क्रम में आज का ये शिविर नगर के प्रतिष्ठित व्यवसायी परम पूज्य स्वर्गीय श्री सुक्कू मातेले जी की स्मृति में उनके पुत्र अखिलेश मातेले, डालडे भैया और राजीव मातेले के विशेष सहयोग से ये आयोजित किया गया है। और इस शिविर में सदगुरु नेत्र चिकित्सालय से डॉक्टरों की टीम डॉक्टर अरविंद मिश्रा और डॉक्टर प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा आज यहां पर 250 लोगों के पंजीयन हुए हैं और लगभग 30 मरीज अभी मोतियाबिंद हेतु चिन्हित किए गए हैं, जिनको चित्रकूट ले जाया जाएगा और उनका सफल इलाज होकर ऑपरेशन होकर उनको घर वापस लौटाया जाएगा। हम आपको बताना चाहते हैं कि ये पुण्य काम उन नेत्र रोगियों के लिए आयोजित किया जाता है जो वास्तव में निर्धन और गरीब लोग हैं, और ऐसे पुण्य काम के लिए नगर के प्रतिष्ठित समाज सेवी व्यवसायी इसमें सहयोग करते हैं। हम आपके चैनल के माध्यम से उनका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। दिस प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड बाय महाराजा पब्लिक स्कूल प्ले टू थर्ड छतरपुर का अत्याधुनिक स्कूल